यानी गुजरात में बैठे हैं आप, प्रधानमंत्री मोदी का होम स्टेट और 26 की 26 गुजरात में बीजेपी के पास, 24 बदलता हुआ दिख रहा है या फिर इस दफा फिर क्लीन स्वीप गुजरात में, क्योंकि गुजरात का जिक्र रह जाता है, हम हिंदी हार्टलैंड का सबका जिक्र कर लेते हैं, गुजरात छूट जाता है। गरिमा जी, गुजरात में जो 2014 और 2019 में जो रिजल्ट आया था, ऐसा ही रिजल्ट आने की बातें यहाँ पे चल रही है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस टाइम एक सीट जो सूरत की हो गई बिनरीफ, उसके बाद जो 25 सीट का चुनाव हुआ उसमें 5 सीट पे फाइट है, उसमें आनंद, साबरकांठा, बनासकांठा, भरूच और पाटन। लोग ये बोल रहे हैं कि एक या दो सीट शायद जा सकती है, छाती ठोक के कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह का यहाँ जो दबदबा है और भाजपा का संगठन बहुत ही स्ट्रांग है। मैं तो बहुत बार बोल चुका हूँ कि गुजरात बीजेपी और नेशनल बीजेपी के संगठन के बीच मुकाबला हो तो गुजरात का संगठन आगे रहेगा, इतना यहाँ संगठन स्ट्रांग है। लेकिन जो 5 सीट पे फाइट हुई है उसमें आनंद और साबरकांठा की सीट बहुत ही क्लोज गई है ऐसा माना जाता है, तो उसमें से हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। शायद एक दो सीट जा सकती है लेकिन क्लियर कुछ नहीं है, रिपीट भी हो सकता है 2024 में 2014 और 2019 का। आनंद और साबरकांठा की सीट का लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही क्लोज गया है और वो सीट शायद जा सकती है। यहाँ पे जो राजपूत समाज का जो आंदोलन हुआ था परसोत्तम रूपाला के निवेदन के बाद, वो राजपूत समाज ने भी काफी मेहनत की थी बहुत सारी सीट पे, लेकिन वो रिजल्ट में तब्दील हुआ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि 2014-2019 का हैट्रिक भी हो सकता है, अगर डेंट लगता है तो शायद एक या दो सीट पे लग सकता है। मैं आपको दक्षिण ले जाती हूँ दीपक, क्योंकि दक्षिण को कहा जाता है कि बीजेपी के लिए मुफीद रीजन नहीं है दक्षिण, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वहां एक दूसरे के कंप्लीटली नेक टू नेक खड़े हुए नजर आते हैं। इस दफा दक्षिण क्या बीजेपी को ज्यादा एज देता हुआ दिखेगा? क्या तमिलनाडु केरल में खाता खुलेगा बीजेपी का, या फिर कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से बेहतर करेगी केरला में तमिलनाडु में, ये गुंजाइश ज्यादा दिखती? मुझे लगता है कि जो साउथ की 130 सीट है गरिमा जी, उसमें लास्ट टाइम कांग्रेस और उसके साथियों ने अच्छा किया था, और मेरे ख्याल से शायद बीजेपी और उसके साथी दल 25-27 के आके आके रुके हुए थे। 28 पर बीजेपी थी, 28 पर बीजेपी, 25 कर्नाटका की और 3 तेलंगाना की। यस, तो इस टाइम ऐसा माना जा रहा है कि तमिलनाडु में जो कोयम्बतूर की सीट है उसमें काफी कड़ी टक्कर है, और तमिलनाडु बीजेपी के प्रेसिडेंट जो एक्स आईपीएस ऑफिसर थे उसने कड़ी चुनौती दी है डीएमके को, और केरला में भी बताया जा रहा है कि एक दो सीट में बीजेपी ने कड़ी टक्कर दी है। अभी नतीजे में कैसे तब्दील होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस इस टाइम लास्ट टाइम के हिसाब से बेटर करेगी इस दफा, यानी कि दक्षिण में एज मिलेगा कांग्रेस को, एज मिलेगा ऐसा लग रहा है। जो फीडबैक देखो गरिमा जी, सब जगह से बात ऐसी आ रही है कि कट रही है, जैसे महाराष्ट्र की बात करो, कर्नाटक की बात करो, फिर अपने राजस्थान की बात करो, गुजरात की मैंने आपको बात बताई कि शायद एक दो सीट का डेंट लग सकता है, तो वो जो हम प्लस करते हैं तो वो सीट काफी 30-40-50 तक चली जाती है। लेकिन बीजेपी पावर में आएगी या नहीं आएगी, लेकिन उसमें तो सब लोग ऐसा ही बोल रहे हैं कि मोदी ही आएगा। तो मैं एक और लाख टके का सवाल दीपक पूछ लेती हूँ आपसे, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र किया आपने, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट कह लीजिए, एनालिस्ट कह लीजिए, प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कांग्रेस इस बार भी ट्रिपल डिजिट में नहीं आएगी। डू यू अग्री विद दैट? 52 से बढ़कर कांग्रेस का प्रदर्शन जो आप बता रहे हैं, कांग्रेस जो है वो 70 से लेके 100 के बीच में सिमटती हुई मुझे दिख रही है। 70 से 100 अब यहाँ पर ठीक है, 70 से 100 के बीच में सिमटती हुई दिख रही है, तो लास्ट टाइम के मुकाबले तो बेटर ही होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी देखिए ना गरिमा जी कि पूरा मीडिया का खेमा भी बटा हुआ है ना। आप अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देखे तो हमको लगता है कि बीजेपी क्लियरली जीत रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप पूरे प्रोग्राम्स देखे तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन ये बट गया है। एकदम ठीक कह रहे हैं दीपक आप, यूट्यूब पर जाएंगे अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आंधी है इंडिया गठबंधन की,
जजमेंट लेना कितना मुश्किल है। आज हम जो 5-6 लोग बैठे हैं, इसीलिए हम कोशिश करते हैं दीपक, इसीलिए कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल परसेप्शन के साथ हम लोग जो आपके साथ 5-6 लोग बैठे हैं वो भी बैठे हुए हैं। कोई बोल रहा है कि इंडिया गठबंधन नजदीक रहेगा, कोई बोल रहा है एनडीए आ जाएगा। तो इस टाइम के चुनाव का एकदम क्लियर कट जो मैसेज लेना बहुत जैसे पंजाब है, पंजाब से 8 सीटें जीती थी। हाँ। क्या इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी की इतनी स्थिति होने के बाद और जब अलग अलग लड़ रहे तो कांग्रेस 8 सीटें जीतेगी? उसके बाद केरल में 20 में से 15 सीटें 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। जिस हिसाब से लेफ्ट कांग्रेस को वहां तगड़ी चुनौती दे रहा है अच्छे कैंडिडेट उतारकर, तो क्या कांग्रेस इस बार 15 सीटें जीतेगी? तो और तीसरा मेरा ये कहना है कि तमिलनाडु में जब कांग्रेस ने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, तो क्या इस बार तमिलनाडु में कांग्रेस 8 सीटें जीतेगा? तो जो 3 राज्य जिसने कांग्रेस को 52 में से 23 सीटें दी थी, जिसके कारण कांग्रेस 52 सीटों पर पहुंच पाया था, क्या इन 3 सीटों पर कांग्रेस वो प्रदर्शन करेगी? और अगर नहीं करती, यहाँ से सीटें कम होती है, तो उसे कौन से राज्य जहाँ से कांग्रेस बहुत गेन करेगी? क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ एक राज्य मुझे नजर आ रहा है फिलहाल, तेलंगाना। हाँ। जहाँ से कांग्रेस की सीटें दुगनी हो सकती है, जो पिछली बार उसे जीती थी 3। हाँ। उससे बढ़ के दुगनी, उससे ज्यादा मान सकता हूँ 7-8। लेकिन उसके अलावा दूसरा ऐसा राज्य लग नहीं रहा कि जहाँ बहुत ज्यादा गेन हो। इफेन बट बहुत सारे बस, और संकदीप एक राज्य के इफेन बट को खत्म कर सकते हैं और वो है बंगाल।